बहुत जी मानते थे। बहुत मानते हैं। मैया की आंखों में एकदम आंसू आ गए भैया को सुन के ना मैया, है ना? ऐसा राहुल भाई जी। और जो माँ 13 वर्ष की उम्र में उसका सारा संसार लूट जाए, पति चला जाए, और उसके बावजूद ठाकुर जी ही, राधा रानी ही ऐसा संबल प्रदान करती हैं जो अपने जीवन को बिता सके। ब्रज भक्ति का वो केंद्र है, ब्रज श्रद्धा और भाव का ऐसा केंद्र है कि जो भी आता है वो ब्रज का होकर हो जाता है, वृंदावन का होकर रह जाता है। फिर से बोलते हैं ना, ओके। ब्रज सरलागत है, ब्रज में जो भी आता है अगर एक बार नतमस्तक हो जाए, एक बार भाव से, भक्ति से ठाकुर जी और राधा रानी के शरणागत हो जाए तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज एक ऐसी ही मैया हमारे सामने है जो 13 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी और उसके बाद उनका पूरा जीवन इसी तरह से रहा, लेकिन उम्र के अंतिम पड़ाव पर जब मैया आई तो मैया का जीवन ऐसा लगा कि अब बस ब्रज में चलना है, अब वृंदावन में चलना है। और 75 वर्ष की उम्र माँ की हो गई है, आ गई हैं वृंदावन में और कहती हैं कि मैया अब कहीं पर भी नहीं जाना, केवल वृंदावन में रहना, यहीं पर अगर कहीं शरीर हो जाए तो जीवन की मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ब्रज से नहीं जा सकते। 13 वर्ष की उम्र में माँ विधवा हुई और उसके बाद पूरा का पूरा जीवन भक्ति के मार्ग पर, पूरा का पूरा जीवन मैया ने ठाकुर जी और राधा रानी के जीवन में समर्पित कर दिया। परिवार के लोगों ने बहुत सहयोग किया, लेकिन अब ब्रज के रस में रंगी हुई हैं मैया। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है मैया? शांति। शांति जी। नाम मैया शांति है। हाँ। लेकिन जीवन में कभी शांति नहीं रही। शांति रही भाई के, और दुख नहीं दिया भाई, भाई नहीं। कई साल की उम्र में शादी हो गई थी? पहले तो बचपन में बहुत छोटे पे हो जाती थी। 7 वर्ष। 7 साल की उम्र पे? हाँ। शादी हो गई थी। शादी हो गई। 13 साल में गमना ले ली। अच्छा, फिर उसके बाद 13 साल में गौना गया? गमना लेने आए, विधवा हो गए। ओ हाँ, खत्म हो गए। गमना लेने आए, एक बार शादी कर रहे हैं, एक बार गमना जी, पहले के समय पर। हाँ। तो गमना भाई नहीं जाने दिए। भाई नहीं जाने दिए? हाँ, अपने भाई के घर में बिताए रही रहे। अच्छा अच्छा। जो कलेक्टर रहा रिटायर होते खत्म हो गए। अच्छा। उनके क्रियाक्रम होते भौजाई भी खत्म हो गए। अच्छा, तो भाई ने जाने नहीं दिया, अपने पास रखा कि मेरी बहन ही रहे। हाँ। जी, तो कई साल भाई के पास रही? बस सारी समय बिताए, पूरे समय रही, पूरे समय जी। और फिर जो है, अब कैसे वृंदावन कैसे आई? भतीजी से घोड़े गिरे। अच्छा। भाई की लड़की से। अच्छा। हमें वृंदावन पहुँचा जी। रहने वाली कहाँ की हो? रीमा के। मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश यूपी के है। जी जी। और फिर आ गई वृंदावन? वृंदावन। हाँ, तो मैं देख रहा था कैसे आप चल रही थी। एक तो उम्र आपकी इतनी है ना, और डंडे से धीरे 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 चल रही हो। गैया मार दिन है रही। गैया मार दिन रहे? मार दे रही हमको जी। ऑपरेशन कराने ले गए तो हम कह रहे हैं अगले दिन मारे रहे, इसलिए मारी तो हमने। अरे राम रे। अच्छा, तुमने कहा कि अगले जन्म में हमने किसी को मारा होगा तो इसलिए गैया ने मारा है। गैया मारे रहे हुई। अच्छा, इसलिए ऑपरेशन नहीं करा। अच्छा, तो इसलिए गैया को मारना नहीं चाहिए जी। देखिए, मैया को चोट लगी और मैया ने कहा कि अगले जन्म में हो सकता है कि गौ माता को हमने कभी मारा होगा, तो गौ माता ने इनको चोट पहुंचाई। ये गौ माता के प्रति मैया का श्रद्धा है, भाव है, यानी 75 वर्ष की मैया हो गई है, उम्र है, चलने में बहुत मुश्किल होता है, और भूल बस कहीं से गाय से टकरा गई, चोट आ गई, तो मैया कह रही हैं कि कभी मेरे से भूल हुई होगी तो इसलिए मुझे चोट आई। तो मैया अब यहाँ पर ब्रज में ही रहना है, वृंदावन में ही रहना? वृंदावन में रहना। अब जाओगी नहीं? नहीं। अच्छा, आते हैं भतीजी उतीजी आती है। अच्छा, परिवार के लोग बुलाने के लिए? परिवार नहीं, नैहर वाले हैं। नैहर वाले? हाँ जी। हमने कहा तो नहीं, अब हमको वृंदावन में मन नहीं दो जी, आके देख जाओ जी। अब वृंदावन जो है छोड़ेंगे नहीं?
वृंदावन। अच्छा, वृंदावन का नाम आते ही मुस्कुराहट आ जाती तुम्हारे ऊपर, चेहरे पे एकदम खिलखिला जाती हो, तो यहाँ लगता ठाकुर जी राधा रानी की भक्ति में एकदम लीन हो जाती है। हाँ, बस भजन होती है, भजन होती जाती हूँ। पाठ सुनने पाठ होती, भागवत होती, भागवत होती, उमा संग वहाँ जाते थे। तो मैया चलने फिरने में उठने बैठने में तो बड़ी दिक्कत होती होगी। बस बहुत दूर नहीं है बगीचे। अच्छा, तो ऐसे थोड़ी बहुत परिक्रमा लगा लेती हो? परिक्रमा नहीं लगाते हैं, उनके गिरिराज बाबा के दर्शन किए बस। अच्छा, यहाँ गिरिराज बाबा के दर्शन? हाँ, चली जाती हो? हाँ, परिक्रमा नहीं। तो क्या मांगती हो गिरिराज बाबा से, क्या कहती हो? यही कहती हूँ हमारे वृंदावन में मृत कर दीजिए। शरीर वृंदावन में हो? हाँ। इतना मतलब वृंदावन के लिए तुम्हारा मन तड़पता है, इतना वृंदावन के लिए चाहती हो कि अगर वृंदावन में ही शरीर हो जाए। हाँ। अब जीवन की कोई इच्छा नहीं है? नहीं, अब जीवन की इच्छा नहीं है। तो सारी समय बिताएंगे जी। वो तो अच्छा था आपका घर परिवार इतना बढ़िया कि आपको रख लिया और आपको सारी सुविधाएं दी घर परिवार के लोगों ने, सब जी। नहीं तो 13 वर्ष की उम्र में जिसका मतलब संसार लूट जाए तो फिर उसका जीवन ही निरर्थक हो जाता है। हमारा भाई, इस भाई सबको मिलना चाहिए, तुम्हारे भाई जैसा भैया सबको होना चाहिए। हाँ, सबको होना चाहिए जी, मानते बहुत मानते। मैया की आंखों में एकदम आंसू आ गए भैया को सुन के ना मैया, है ना? ऐसा रहा भाई जी, आपको भाई ऐसा नहीं हो, कितने ही दान कराया, कितना ही पुण्य कराया। दान पुण्य खूब कराया भैया ने, पैसा की कमी नहीं हुई। अच्छा, सज्जा दान भी दिलवा दिया। अच्छा, प्रयाग में, जहाँ भगवान प्रयाग में सज्जा दान भी करा दिया। हाँ, असमर्थ जग किए हैं। हाँ, भगवान वहाँ करा दिया। अच्छा, मतलब तुम्हारे जैसा भाई भगवान सबको दे दुनिया भर, भगवान से जय प्रार्थना दे। देखिए जीवन में कितना भी अगर कष्ट आ जाए, अगर परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं, परिवार के लोग सहयोग करते हैं। भाई का नाम लेते ही देखिए मैया की आंखें छलक उठी, और जो माँ 13 वर्ष की उम्र में उसका सारा संसार लूट जाए, पति चला जाए, और उसके बावजूद ठाकुर जी ही, राधा रानी ही ऐसा संबल प्रदान करती हैं जो अपने जीवन को बिता सके। तो ये ब्रज है जहाँ पर भक्ति के मार्ग पर आकर जीवन को अपना व्यतीत कर सकते हैं, काट सकते हैं। और माँ इतने जीवन में संघर्ष करने के बाद भी आज भी मैया के अंदर बस वही हौसला है कि अगर प्रभु शरीर हो जाए तो ब्रज में हो जाए, वृंदावन में हो जाए। जी, भाई ने कभी तुमसे कुछ कहा नहीं, मतलब आपकी चिंता, खाना पीना रहना सब मालूम है? नहीं दिया था, हम विधवा है। अच्छा, न कपड़ा से, न लत्ता से, न का है उसे। अच्छा, न दान से, न दक्षिणा से, वो मालूम हमको नहीं हुआ। और तीर्थ व्रत भी कराते रहे? बस बता दिए थे कि एक महीना प्रयाग में, प्रयाग में एक महीना रखे, एक महीना हरिद्वार में। अच्छा, एक महीना अयोध्या जी में। अच्छा, दो बार बद्रीनाथ धाम गए। अच्छा, अब फिर दो बार भागवत सुन। तो पूरा जीवन जो है आपके धर्म कर्म में भैया लगाए रखा, पैसा की कमी नहीं लगाई जी। अब तो बहुत बूढ़ी हो गई हो, कैसे काम कर पाती हो, कैसे चलती फिरती हो? बस कैसे नहीं, अब नहीं कर आए हम दर्शन करे, इनके बचत रहा लाई हो, लाई आई। एक थे हमारे सखीवा आई साथ में, आपकी सखी भी है साथी? अच्छा, टाटी वोटी साथी है। कही के ले चला, हम चले जाई, हम काम हम गाप गजराज बाबा के दर्शन करे। हाँ। वो कही से नहीं, एक लेते चला, हम बाजार दे लाए तो लैया है इसमें। हाँ, ले तो हम भी खाएंगे, खा ले। अरे नहीं मैया, बांट दोगी सबको, भिखारी को दे दे, सबको दे दोगी, आप खा ले। ना मैया, ना 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 ना। देखिए मैया के पास थोड़ी सी लैया आई और मैया बार बार देने के लिए आतुर है। कितनी प्यारी, कितनी भोली मैया हो कि थोड़ी सी लैया आ गई मैया तो देने के लिए कि हाँ बेटा तुमको अगर खाना है तो खा लो। ये भाव माँ का ही हो सकता है, माँ ही ऐसे हो सकती है जो अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए आतुर रहती। तो
अब दवा के लिए और किसी के लिए कोई जरूरत तो नहीं पड़ती मैया? तब अब ये खांस आ जाती है कभी कभी, अब बुढ़ाई कितन है। अच्छा, आ जाती जो खाम हुई आ जाती। अच्छा, लैया तो आज लग रहा है सुदामा जी की तरह कन्हैया को लेने के लिए देने के लिए जा रही हो मैया, है ना? तुम्हारी एकदम लग रहे हैं कि ठाकुर जी के पास जो है, सुदामा जी के पास वो चावल की एक मुट्ठी जो लेके गए थे ना, वही मुट्ठी लेके जा रही हो। ना ना, अरे तुमने संसार दे दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा भाव करके, इतने प्यार से बातचीत करके तो मुझे पूरा संसार मिल गया। तो आप सब देख सकते हैं भोली सी मैया, एक ऐसी मैया जिसके जीवन में कष्ट ही कष्ट है, यानी 13 वर्ष की उम्र में माँ का संसार चला गया, उनके पति चले गए, और उसके बाद उनके परिवार के लोगों ने जीवन को संभाला तो संभाला, लेकिन एक आधार, एक ऐसा विश्वास था माँ के पास, वो थी भक्ति। और इसीलिए अयोध्या जी, प्रयागराज, और इसीलिए काशी विश्वनाथ, हरिद्वार, सब जगह मैया जाती रही। और ये धर्म की ऐसी नगरी में माँ घूमते घूमते अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर दी, और अब ब्रज में आ गई हैं। बस ब्रज में यही मनोकामना कि ठाकुर जी कभी अगर शरीर पूर्ण हो तो यही ब्रज में हो। पूरा परिवार लेने के लिए आता है, बहुत सौभाग्यशाली है मैया कि आज के समय में परिवार चिंता कर रहा है, आज के समय में मैया के बारे में परिवार चिंतित रहता है, परिवार लेने के लिए आता है, लेकिन माँ नहीं कहती कि नहीं बस ब्रज में ही रहना है। एक मुट्ठी मैया को थोड़ा सा लैया मिली तो बड़े भाव से, बड़े भक्ति से कि इसको भी लेकर किसी को बांट देंगे, किसी को देकर आएंगे। तो मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है सभी बेटों से, भारतवर्ष के सभी बेटों से, कि अगर कहीं पर कष्ट आए बूढ़ी मैया पर, कहीं पर कष्ट आए ऐसी माताओं पर, तो आप संभाल लीजिए, आप उन्हें अपने घर पे रखिए, अपने परिवार में रखिए, क्योंकि वो भी आपकी माँ हैं, वो भी आपकी बुआ हैं, वो भी आपकी कोई ना कोई रिश्तेदार हैं, उनको संभालने की कोशिश करिए, नहीं तो हम वृंदावन के लिए भेज देते हैं, उन्हें तीर्थ स्थानों के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम उन्हें विसार देते हैं। तो कम से कम विसारिए मत, वृद्धाश्रम में मत भेजिए अपने बुजुर्गों को, वृद्धाश्रम में मत भेजिए अपने माता पिता को, केवल अपने पास रखिए और भगवान की तरह सेवा करिए, कभी जीवन में कष्ट नहीं आएगा। मैया बहुत बहुत राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम मैया, बहुत बहुत प्रणाम, जय हो मैया। जब तक जमुना में पानी रहे तब तक आप लोग हमें